मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है एनाफेजी क्रोमोसोम मूवमेंट। माइटोसिस की जो फेजेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनमें क्रोमोसोम का किस तरह से मूवमेंट होता है और क्रोमोसोम को पोल की ओर मूव कराने के लिए क्या आवश्यक है। तो एनाफेजी क्रोमोसोम मूवमेंट के अंदर जो फोर्सेस प्रोफेज और मेटाफेज के अंदर स्पिंडल के ऊपर लगाई जाती हैं क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए, यानी जो एनाफेज है फेज है उस दौरान जो स्पिंडल्स है वो ऑपोजिट पोल की ओर मूव करती है या ऑपोजिट पोल की ओर जाते हैं तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और उस दौरान वही फोर्स जनरेट होता है जो प्रोफेज और मेटाफेज में होता है। एनाफेज को दो अलग अलग स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, एनाफेज ए और एनाफेज बी, या अर्ली और लेट एनाफेज। एनाफेज ए का जो करैक्टर है वो है कि जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी शॉर्टनिंग होती है प्लस एंड की ओर, जो कि क्रोमोसोम को पोल्स की ओर खींचते हैं। और एनाफेज बी के अंदर क्या होता है कि जो दोनों पोल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं और जो क्रोमोसोम अटैच्ड क्रोमोसोम है जो कि सेंट्रोमियर के साथ में अटैच है वो क्या होने लगते हैं, दो पार्ट के अंदर डिवाइड होने, दो सेल्स के अंदर जो है डिवाइड होने लगते हैं। एनाफेज ए के अंदर दिखाया गया है कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है उन पर माइनस एंड लिखा हुआ है और जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिन्हें कि फ्लूरिसेंट जो है लाइट के अंदर रखा गया है या फ्लूरिसेंट जो ट्यूब्यूलिन है उसके अंदर रखा गया है और जो ये जो रीजन है काइनेटोकोर का और पोल्स के बीच का रीजन उसे जो है वो लेजर लाइट के अंदर रखा गया है और जब इन्हें लेजर लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो डीपॉलीमराइज होते हैं प्लस एंड की ओर और काइनेटोकोर पोल की ओर जो है वो मूव करते हैं। इसी तरह एनाफेज ए का पार्ट है, इसके अंदर जैसे माइक्रोट्यूब्यूल है उसका कुछ रीजन जो है वो फ्लूरिसेंट ट्यूबुलिन से फ्री है, कुछ जो है ब्लीच्ड है माइक्रोट्यूब्यूल का हिस्सा और यहाँ पे पोल्स और जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है उन दोनों के बीच में दोनों तरह की जो है रिएक्शंस दिखाई गई है कि पोल्स की ओर जो एरिया है वहाँ डीपॉलीमराइजेशन है, डीपॉलीमराइजेशन नहीं है और जहाँ पे काइनेटोकोर स्थित है वहाँ पर डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल की प्लस एंड की ओर जो शॉर्टनिंग है वो क्रोमोसोम को पोल की ओर जो मूव कराने में सहायक है, ऐसा एनाफेज ए के अंदर दिखाया गया है।